Since we have been talking about the test construction, test security, we need to see that in psychology, the ethical issues are very much important when it comes to psychotherapy. So, psychotherapy or talk therapy is a way to help people within a broad variety of mental illnesses and emotional difficulties. Psychotherapy can help to eliminate or control troubling symptoms, and a person can function better because the psychotherapy helps in doing that and can increase the well-being and healing of the individual so psychotherapy uh, it comes in different forms and shapes but the therapeutic relations at times become complicated because the issues and problems of the clients are often very complicated it is as uh, not as simple as it could be any medical problem this may symptoms could treat or hame individual better लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मेंटेनिंग फैक्टर्स हो सकते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं तो एक क्लाइंट को हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे उसको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट इन्वॉल्व करनी पड़े और उसके बाद हम उसे साइकोथेरेपी की किसी ऐसी स्टेज पर लेकर आ सकें जब वो साइकोथेरेपी फ्री हो सके द नेचर ऑफ़ द थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट रिलेशनशिप इट सेल्फ इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सो यू नो वेन एवर देर आर द टू ह्यूमन इन्वॉल्व दे कम्स अ प्रॉब्लम सिचुएशन क्योंकि उसमें आइडेंटिफिकेशन हो सकती है उसके अंदर जो है वो ट्रांसपेरेंस या काउंटर ट्रांसपेरेंस का बिहेवियर हो सकता है ना साइकोथेरेपी एंड मेडिकेशन साइकोथेरेपी इज ऑफन यूज इन कम्बिनेशन मेडिकेशन टू ट्रीट मेंटल हेल्थ कंडीशन इनिशियली द फोकस ऑफ एवरी पर्सन इज टू गो फॉर द साइकोथेरेपी एंड इफ साइकोथेरेपी इन सर्टन केसेज डज नॉट वर्क अलोन देन वी नीड टू गिव सर्टन मेडिकेशन टू इनहस द इफेक्टिवनेस ऑफ

अपनी प्रॉब्लम को कम कर सकता है एन एजुकेशनल फंक्शन इंक्लूडिंग प्रोमोटिंग ग्रोथ इनसाइट एंड मैचुरेशन नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ हैविंग इमोशनल सपोर्ट फॉर द वीक पर्सन बल्कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल साइकोथेरेपी से अपने पॉजिटिव पोटेंशियल्स को इनहेंस कर सकता है इनको मेच्योर कर सकता है और एक फुली फंक्शनिंग ह्यूमन बीइंग बन सकता है टेक्नोलॉजिकल फंक्शन बाय विच वी मे अप्लाई वेरियस टेक्निक्स टू चेंज एंड मॉडिफाई बिहेवियर एट टाइम साइकोथेरेपी इज बिंग सीक टू मॉडिफाई डिफरेंट बिहेवियर्स जैसे हम बच्चों के डिफरेंट बिहेवियल इश्यूज के लिए साइकोथेरेपी uh, ले सकते हैं ओल्ड एज में डिफरेंट बिहेवियरल प्रैक्टिस जो हैं उनको चेंज करने के लिए साइकोथेरेपी ले सकते हैं सो इट कुड बी फॉर अ बिहेवियर चेंज के हम साइकोथेरेपी जो है वो कंसल्ट करें टू प्रोवाइड कॉम्पिटेंट ट्रीटमेंट थेरेपिस्ट नीड टू ओनली प्रोवाइड सर्विसेज फॉर विच दे आर क्वालिफाइड दिस इज समथिंग वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट

दैट वट एवर द एजुकेशनल क्रीडेंशल द प्राइमरी क्रीडेंशल द सेकेंडरी क्रिडेंशल दर्शरी क्रिडेंशल साइकोथेरापिस्ट इज होल्डिंग वो सिर्फ वही बताए राधर दैन के वो बहुत ज़्यादा एक लंबी लिस्ट बता दें कि जी मेरी ये ये एक्सपर्टीज हैं लेकिन जो उसकी एक्चुअल हैं उसको सिर्फ वही बतानी चाहिए दैन कीप अप ऑन करंट इन्फॉर्मेशन ऑन द फील्ड स्पेशली इन स्पेशलिटी एरिया एक दफ़ा एक डिग्री लेने के बाद Uh, एक साइकोथेरेपिस्ट का काम ख़त्म नहीं हो जाता द वर्ल्ड कीप्स कीप्स ऑन गोइंग चेंजिंग एवरी डे तो आपको अपना नॉलेज अपडेट करने के लिए अपनी इंफॉर्मेशन को इनहेंस करने के लिए डिफरेंट डिसऑर्डर्स की क्या क्लासीफिकेशन आ रही हैं उसके ट्रीटमेंट के क्या नए वेज आ रहे हैं कोई इन्वेसिव टेक्निक आ गई है कोई नॉन इन्वेसिव टेक्निक आ गई है तो अपडेट करना बहुत ज़रूरी है एंड देन सीक काउंसलिंग वैन दे हैव पर्सनल इशूज क्योंकि वी बिलीव दैट द साइकोथेरेपिस्ट इज अ ह्यूमन बीइंग और उसके अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं बल्कि अक्सर होते भी हैं तो इन केसेस व्हेन यू आर गोइंग थ्रू सम सम प्रॉब्लम इमोशनल सफरिंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू फर्स्ट सीक हेल्प फॉर योर एंड देन यू आर गोइंग टू गिव हेल्प टू एनी अदर पर्सन ये exactly एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसे हम लोग बाय एयर ट्रेवल करते वक्त जब इंस्ट्रक्शन सुनते हैं तो वी गेट टू नो कि इन इन केस ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन आप सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएंगे और फिर आप किसी और पैसेंजर को हेल्प करेंगे सिमिलरली साइकोथेरेपिस्ट इज सपोज टू डील विद और हर ओन पर्सनल इशूज फर्स्ट एंड देन ही इज सपोज टू गिव साइकोथेरेपी टू एनी अदर क्लाइंट